भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। वालों जोर से लगाओ, नहीं तो मैं अपने नारा लगाऊंगा, पूरा भिवंडी कांप जाएगा। ठीक है, युवा और युवा और लगा भाषण हमने दे दिया जोर से। बहुजन विकास अघाड़ी, बहुजन विकास अघाड़ी, लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर साहेब, लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर साहेब, चार सम्राट भिवंडी सार अध्यक्ष श्री तारिक खैर राजनी साहेब, श्री तारिक खैर राजनी साहेब। इसी तरह मैं सभी के बारे में पूरा जानकारी। आज जो कार्यकर्ता मेड़ावा सम्मेलन रखा गया था मार्गदर्शन, आज हमारे चीफ गेस्ट थे जो कई बिजी हैं, कहीं आने के कारण नहीं आ पाए, पहुंच पा रहे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया है सामने से और बोला है कि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आएंगे, मगर परमिशन उतना टाइम तक नहीं है, जिसके कारण जो है हमारे भिवंडी शहर के जो शेखर चौधरी साहब वो अवेलेबल हैं, हमारी जो भिवंडी शहर के कार्यकर्ता हैं राजू अंसारी, राजू शेख हैं, और हमारे समीम अंसारी हैं, कुलरेस्ट सिंह हैं, बिलाल बाबा हैं, और फैसल आजमी हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिस तरीके से जोर और शोर से इन्होंने सम्मेलन किया है, मुझे तो ये लग रहा है कि एक वार्ड में इतना सम्मेलन बड़ा हो सकता है, तो भिवंडी शहर का जिस दिन मेन रोड पर होगा इससे ज़्यादा कई हंगामा बहुजन विकास अघाड़ी का रोड पर दिखेगा, ये मैं आपसे बोलता हूँ। अच्छा, आने वाला ये अभी कुछ दिन के बाद अभी चुनाव डिक्लेयर हो रहा है लोकसभा का, तो इसमें आपकी पार्टी का क्या भूमिका होगी भिवंडी शहर? बहुजन विकास अघाड़ी की भूमिका ये होगी कि जो हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय हितेंद्र जी ठाकुर साहब का आदेश रहेगा, वो आदेश से हम काम करेंगे, जो भी पार्टी भिवंडी के हित के जनता के लिए करेगी और करते आ रही है उसी के साथ बहुजन विकास अघाड़ी का वो रहेगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा। भिवंडी शहर के अंदर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर के और उसके भ्रष्ट कार्यप्रणाली को लेकर के भिवंडी की जनता आए दिन उंगलियां उठा रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भिवंडी बहुजन विकास अघाड़ी की जो नीति है, जिस लेवल से काम करते आ रही है, भिवंडी की जो जनता है उस जनते के विश्वास होना चाहिए कि, लेकिन उन्होंने गलत नेता चुन लेते हैं इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह है कि बहुजन विकास अघाड़ी का झंडा जिस दिन महानगर पालिका में लहराया उस दिन समझ लो कि भिवंडी का भी विकास होगा और भिवंडी की जनता का भी विकास होगा, जो आज रोज रोड भटक रही है। मैं ज़्यादा नई बात करूँगा, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आज जो वार्ड के अंदर जो कार्यक्रम हुआ है, एक वार्ड है, वार्ड नंबर 7 में हुआ है, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इतना बोलूँगा कि ये तो एक छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन आने वाले वक्त में इससे बड़ा कार्यक्रम दिखेगा और दिखते आ रहे हैं आप लोगों को, लेकिन रोड पर जिस दिन उतरेंगे आने वाले वक्त में, यह आचार संहिता भी लागू हो जाएगी कुछ दिनों में, मगर वो दिन दूर नहीं होगा कि बहुजन विकास अघाड़ी का विकास होगा और यहाँ के जनता का विकास होगा, क्योंकि सब पार्टी यहाँ पे घोटाला करके बैठ चुकी है। अच्छा, आप भिवंडी की जनता को किस प्रकार का आप अपनी पार्टी की तरफ से अपील करेंगे? बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से सभी जनता और भिवंडी वासियों को ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में सही नेता चुने, मैं तो बोलता हूँ नेता ना चुने, मैं जानता हूँ उसी में से एक अपना बेटा चुने और वार्ड का काम करके ले, क्योंकि नेता बहुत देखे गए, मैं नेता हूँ वो बात नहीं, मैं लोगों का बेटा भी हूँ, लोगों के दिलों में भी हूँ, इसलिए आज उन्होंने उनकी दुआओं ने मुझे मुकाम पे पहुँचाया है, नहीं तो यहाँ पे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते उनका मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मैं जनता से यही अपील करूँगा कि अब की बार अच्छा प्रतिनिधि चुने और उनको जीत आगे दें ताकि आपके वार्ड का और आपका विकास हो। सर, जैसे देखा जाए कि कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की थी, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, व्यक्ति ने जो काम किया है उससे हम हमारे पार्टी के लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर काम करते रहेंगे तो जनता का विकास बहुत ही जल्द होगा, ऐसे लोग हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए तभी भिवंडी का विकास होगा, नहीं तो शहर विनाश होने वाला है।